भाई एक का गड्ढा जो है वो हमको तैयार करना होता है। इधर से दिखाइएगा, इस तरीके से एक बाई एक का गड्ढा जो है वो हमें तैयार करना होता है। ये एक बाई एक का गड्ढा इसलिए तैयार करना होता है ताकि जो जड़ें हैं, ढीली मिट्टी होने के कारण में जड़ें जो है वो आसानी से बढ़ सके। इस गड्ढे में हमारा जो पौधा है, पौधा जो है ये क्लोनल यूकलिप्टस का पौधा है। इस तरीके की इसकी रूट बॉल होती है, वर्मिकुलाइट होता है इसके अंदर में। ट्रे से निकालने के लिए इसको पहले पानी से ट्रे को भिगो ले, जब ये गीला हो जाए इसको नीचे से उंगली से हल्का सा पुश करके ऊपर से पकड़ के इसको निकाले तो ये निकल जाता है। इस तरीके से ये आपका पौधा जो है ये निकलता है। अब ये पौधे की बॉल देख रहे हैं आप, ये इतनी ही है, लगभग 5 से 6 इंच की बॉल जो है, 5 से 6 इंच की बॉल जो है, ये जो है पौधा लगभग इतना ही हमको अंदर लगाना होता है। ज़्यादा गहरा भी इसको लगाना ठीक नहीं है। और ये जो रूट बॉल है ये मुड़नी नहीं चाहिए, इसकी सावधानी किसान को रखनी होती है। ये अगर मुड़ जाएगी तो वहाँ पौधा जो है ग्रोथ स्लो हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, मर भी सकता है। ये जो बॉल है ये एज इट इज़ ऐसे ही रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो है इसमें थोड़ा सा मिट्टी पहले हम फिल करेंगे ताकि जो हमारी ढीली मिट्टी है वो नीचे रहे, जड़ों का विकास हो सके। इस तरीके से हमने मिट्टी को फिल किया है, ये इसके अंदर हमने पौधे लगाने के लिए जगह बना ली है। थोड़ा सा यूरिया डीएपी लगभग 30 से 40 ग्राम जो है, हम अगर आपके पास तगारी हो तो तगारी में मिट्टी में मिला लेंगे, मैं यही मिला ले रहा हूँ। मिट्टी में मिलाने के बाद में हम इसको भी डाल रहे हैं। एक जगह पे ना डालें, एक जगह पे डालने से क्या होता है, पौधा जहाँ लगा रहे हैं वहाँ अगर हम डालेंगे तो पौधा जल सकता है ज़्यादा होने के कारण में। यूरिया डीएपी ये देखिए हल्का सा हमने लिया है, 30-40 ग्राम, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा और दें, थोड़ा कम हुआ है। इस तरीके से बिखरा के डालें उसको, मिट्टी में मिक्स हो जाए। ये पौधे को हमने रखा है, आगे से मिट्टी हल्की हमको डालनी है ताकि पौधा वहाँ खड़ा हो। अब ये मिट्टी डालेंगे हम यहाँ से आगे से, ये घास वगैरह ना आए, खरपतवार ना आए। बहुत ज़रूरी है कि हम पौधे को दबाए ना, अगर हम इस मिट्टी को दबाते हैं तो इसकी जो नीचे की रूट बॉल है वो कहीं ना कहीं उस पर दबाव पड़ेगा और जो रूट बॉल है अगर वो दब जाएगी तो जो है वो पौधा डैमेज होगा। रूट बॉल डैमेज होगी तो पौधा जो है वो ग्रोथ इफेक्ट होगी उसकी, स्लो बढ़ेगा। अगर रूट बॉल रहेगी, इस पर हम मिट्टी डाल रहे हैं, थोड़ी मिट्टी और डालेंगे, थोड़ी मिट्टी और डालना, वहाँ से निकल साफ मिट्टी। दूर से ले लिए, नहीं नहीं वहीं से लो ना, बहुत मिट्टी नीचे से लो। ये देखिए इस तरीके से हमने मिट्टी डाल दी है। ये गड्ढा जो है ये बराबर हो जाना चाहिए, गड्ढा ना हो, पानी का भराव ना हो। और अगर मान लीजिए गड्ढा बना भी है तो कम से कम इस तरीके से थाला बना दें ताकि जो है पानी जो है वो आइट साइड में भरा रहे, पौधा जो है वो ऊपर की तरफ है। इस तरीके से थाला बना दें और पानी डाल दें इसको। देखिए मैंने बिल्कुल दबाया नहीं, इसको बिल्कुल दबाया नहीं है। 1 लीटर पानी भी अगर आप दे देते हैं पौधे को, ये देखिए पानी देने से मिट्टी सेटल हो रही है और पौधा जो है वो खड़ा हुआ है, गड्ढा नहीं बना है। बस इतना ही हमको करना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, बहुत आसानी से पौधा लग जाता है। यही हमारा मेजर ध्यान है। अगर किसी के खेत में दीमक वगैरह की समस्या है तो दूसरी फसलों के लिए वो जो क्लोरोपाइरीफास, थाइमेट, नीम खली, नीम तेल,
जैविक में जाते हैं तो जैविक करना चाहते हैं तो जैविक में केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। इसमें पहले ट्रीटमेंट में वो दे दें 15-15 दिन के अंतराल से वो क्लोरोपाइरीफास या थाइमेट का ट्रीटमेंट देके मॉनिटरिंग करें। 2 से 3 महीने का पौधा हो जाए, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, 3 महीने में लगभग 3 फीट के आसपास इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हमने लगा दिया है, बस इसमें आगे आने वाले समय में ध्यान ये रखना है कि ये जो दूरी हमने रखी है 1.5 फीट की, 1.5 फीट तक जो थाला है वो बना के साफ रखेंगे, घास वगैरह खरपतवार वगैरह पौधे के आसपास ना हो तो पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है, बारिश हो रही है, बारिश होते में हमने इसको लगा दिया है, तो अब इसको अगर हम कम से कम पानी भी में भी ये सर्वाइव करता है तो बारिश के समय पे ये सेट हो जाएगा पौधा। 15 से 20 दिन में देखिए नई टिप आ रही है, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, नई टिप आती जाएगी, स्टेम ऊपर बढ़ता जाएगा, फिर पत्तियाँ होंगी। दूसरा एक विशेष ध्यान रखें कि ये जो ब्रांचेज हैं, कुछ किसान पूछते हैं कि हम ब्रांचेस काट देते हैं, हम ब्रांचेस काट सकते हैं क्या साहब, तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्लोनल यूकेलिप्टस में ब्रांचेस को नहीं काटना है। ब्रांचेस जो हैं पौधा अपने आप बढ़ता जाएगा, ब्रांचेस अपने आप डेवलप होंगी, जैसे जैसे हाइट लेता जाएगा नीचे की ब्रांचेस अपने आप सूख के झड़ जाती हैं, इसलिए उसको आपको काटने की ज़रूरत नहीं। अगर आप काटते हैं तो पौधे की ग्रोथ पर इफेक्ट आएगा, इसलिए आप उसको बिल्कुल ना काटें। जितनी पत्तियाँ रहेंगी फोटोसिंथेसिस होगा, पौधे को ग्रोथ होगा और क्लोनल यूकेलिप्टस जो है वो अपने आप जो है वो ब्रांचेस को गिरा देता है, तो इसलिए आपको वो खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बहुत कम खर्चे के अंदर में हम ये पौधा तैयार करेंगे और ये आप देख रहे हैं लगभग 4 साल में हम इस तरीके का क्लोनल यूकेलिप्टस जो है आप अपने खेतों में पाएंगे। बीच में आप खेती भी कर सकते हैं, 2 तरीके की मेथड है उसको यूज़ करें। ज़्यादा संपर्क करेंगे, जब आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दी जाएगी, इस तरीके की लकड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। करीब 35 से 40 फीट का ये पौधा है आपका, कम से कम ये आपका तैयार हो गया है। पोल साइज पे बल्ली साइज़ जो है उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। पेपर मिल में हम लोग डिबार्क करके छिलका उतार के इसको ले लेते हैं किसानों से, हम लगाई इसलिए रहे हैं ताकि किसान हमको दें और हम रॉ मटेरियल हमको मिल सके और किसानों को इसका फ़ायदा होगा। बंजर अनुपयोगी भूमि पर इसको वो लगाएँ, खेत की मेड़ों के ऊपर में लगाएँ और लाभ कमाएं। धन्यवाद।